अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सोया कटलेट की रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार सोया कटलेट की रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये सोयाबीन के पीसेस हैं, ये पूरी एक पैकेट है। हमने इसको 2 घंटे पहले भिगने रख दिया था, तो ये अब अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो इसको हम पानी से निकाल कर ग्राइंडर में इसका एक पाउडर तैयार कर लेते हैं। पानी के बग़ैर ही आपको पीसना है। देखिए, इस तरह का हम एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं सोयाबीन का, और इसको एक बड़े से बाउल में हम डाल देंगे। तो चलिए, अब हम कुछ ड्राई मसालों में ऐड कर देते हैं। चाट मसाला 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच नमक। तो ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देते हैं सोयाबीन के मिक्सचर में। और इसके बाद 6 से 7 कटी हुई हरी मिर्च और 1 मुट्ठी कोरिएंडर लीव्स, ये भी इसमें ऐड कर देंगे हम। तो चलिए, ये अब हमारे पास है एक कप मैदा हम ऐड कर देंगे, और ये 2 डली बारीक कटी हुई प्याज है, इसको हमने बिल्कुल बारीक कट करा है। और अब हम ऐड कर देते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टीस्पून हमने ऐड किया है यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये 2 अंडे हैं, ये भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और इसके बाद हम 1 टीस्पून इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम ये मिक्सचर को अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर देंगे सारे मसालों के साथ। अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने तैयार करके रख लिया हमारे बैटर को। और हम एक छोटा सा लेमन साइज़ का इस तरह का पोर्शन ले लेंगे, और अपने हाथों के बीच में रखकर तेल लगाकर अपने हाथों को इस तरह से हम इसके कटलेट बना लेते हैं। बिल्कुल जिस तरह से हम कबाब बनाते हैं गोश्त के, उसी तरह से अपने हाथों पर राउंड शेप देना है। थोड़ा सा अपने हाथों को तेल लगाकर इस तरह के शेप्स में आप बनाकर रख लीजिए। ये देखिए, इस तरह से तैयार कर लेंगे हम। तो इसी तरह से हम सारे सोया के जो मिक्सचर हैं उसको इस तरह कबाब के शेप में राउंड तैयार करके प्लेट में रख लेंगे। और इसके बाद हम तेल गरम होने के लिए रख देंगे चूल्हे पर एक बड़ी सी कढ़ाई में। तो तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम एक एक करके इसमें जो सोया के कटलेट हैं वो ऐड करेंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। तो हम एक साइड से अच्छे से फ्राई होने के बाद इसको पलट देंगे, और दूसरी साइड से भी इसको अच्छा सा कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। ये सोया के कबाब या फिर कटलेट बहुत ही हेल्दी होते हैं, और साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इसी तरह से हम दोनों साइड्स में भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे अच्छा सा कलर आने तक।
तो ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो गए। हम अब इसको सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। देखिए कितना आसान है इसको बनाना और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह से हम अपना सेकेंड बैच भी तैयार कर लेंगे। आप इस तरह के सोया कटलेट या फिर सोया के कबाब बनाकर अपने सैंडविच या फिर बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं। घर पर ही आप बहुत ही टेस्टी बर्गर भी बना सकते हैं इसी कटलेट से। तो ये देखिए हमारा सेकेंड बैच भी बिल्कुल तैयार है। हम इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सोया के कबाब, सोया के कटलेट्स बिल्कुल रेडी हैं। दिखने में ही कितनी मज़ेदार लग रहे हैं ये। आप इसे वाइट राइस के साथ भी खा सकते। तो देखिए अब हम आपको एक पीस इस तरह से तोड़कर बताते हैं। देखिए कितने नरम, बहुत ही मज़ेदार सोया के कबाब बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।